हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। एक्जैक्टली बात करूँगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, मार्केट का टेक्सचर क्या है और क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं यहाँ से मार्केट में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को बैंक निफ्टी में एक मेजर ब्रेकडाउन आया है, उसको आप छोटा करेक्शन नहीं बोल सकते। क्योंकि जब निफ्टी फ्लैट है और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट डाउन है, 500 पॉइंट्स डाउन है, तो डेफिनेटली बैंक्स में कुछ बड़ा हुआ है। और डेफिनेटली ये समझने वाली बात है कि टेक्निकली बैंक्स ऑलरेडी वीक थे। स्ट्रक्चरली भी आप देखेंगे तो NPAs और ये सब जो मोरेटोरियम का इशू और दुनिया भर की चीज़ें जो चल रही हैं, PNB का जो PSU बैंकिंग में PNB ने माहौल बिगाड़ा, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इसके बाद डेफिनेटली नेगेटिविटी थी। अब उसको सबसे पहले फैक्टर इन करने के लिए जो वीक सेक्टर है उसको गिराया जाता है, और स्ट्रॉन्ग सेक्टर में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। सिर्फ एक रिलायंस का स्टॉक है जिसने 45 टू 50 पॉइंट्स जो था निफ्टी को उठा रखा था। तो अगर उसको आप हटा दें तो डेफिनेटली 100 पॉइंट निफ्टी तो वैसे भी डाउन था, मतलब ओवरऑल मार्केट वीक था, मार्केट ब्रेथ कमज़ोर थी। FII डेटा नेगेटिव है, FIIs और DIIs दोनों सेल कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे यार मार्केट कैसे उठा है, तो डेफिनेटली रिटेलर्स पैसे काफ़ी झोंक रहे हैं। क्योंकि उनको जो ये नए एंट्रेंट्स होते हैं ये नॉर्मली हमेशा खरीदते हैं, हर चीज़ के लिए खरीदते हैं। इनको लगता है कि बेचना कुछ होता नहीं, बेचना गलत चीज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हाई पे खरीदेंगे तो बेचेंगे कम, लो पे बेचेंगे लॉस में, डेफिनेटली मूर्खता है, राइट। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे, और ये सबसे बड़ा इशू है कि अगर आप देखेंगे कि DII और FII दोनों के बेचने पे भी मार्केट गिरा नहीं, उतना नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए था। और 2-3 दिन से यही ट्रेंड चल रहा है कि FII बेच रहे हैं, DII ने भी कल बेचा, तो डेफिनेटली मार्केट में नेगेटिविटी थी। लेकिन इसको रिटेलर्स मनी और HNIs मनी से इतना ज़्यादा पुश किया जा रहा है। जो बड़े लोग हैं, रईस लोग हैं, वो भी पैसा डाल रहे हैं। जो नए नए इंडिविजुअल जिनके धंधे वंदे ठप हो गए हैं, बिजनेस ठप हो गए हैं, जिनके पास कैश है, वो सोच रहे हैं मार्केट में डाल दो। 7,000 का मार्केट 11 आ रहा है तो 11 का मार्केट 15 चला जाएगा, उनको ऐसे ही लगता है। उनके लिए सब कुछ एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ पड़ रही है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड एक्सपोनेंशियली, वो है वायरस के नंबर्स। तो डेफिनेटली रिस्क ज़्यादा है। US में भी कल और वर्ल्ड में कल रिकॉर्ड नंबर ऑफ केसेस, रिकॉर्ड नंबर मतलब US में 70,000 केस है, 70,000 एक दिन का रिकॉर्ड है पिछले जब से कोरोना वायरस आया। और वर्ल्ड का भी रिकॉर्ड है, 2,40,000 केसेज आए, 2,40,000। अब आप बोलोगे कि यार केसेस हाई हैं, मार्केट भी हाई है। मार्केट क्यों हाई है? मार्केट हाई इसलिए क्योंकि लोगों को कुछ और दिख नहीं रहा है। लोगों को सब लगता है कि मार्केट एक लौता है जहाँ पैसा सेफ है और बन सकता है, तो लोग पैसा डाल रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली बड़े लोग नहीं डाल रहे हैं पैसा। वॉरेन बफेट ने अभी तक पूरा पैसा नहीं लगाया है इस साल, इनफैक्ट उन्होंने कोई भी बाइंग नहीं की है, इनफैक्ट एयरलाइन से सेलिंग ही की है। तो ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है और साइन है कि बड़े लोग, स्मार्ट लोग वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का। और वो अपॉर्चुनिटी जब आएगी तो जो लोग आज बाय कर रहे हैं वो डेफिनेटली फंस चुके होंगे। और मार्केट का स्ट्रक्चर यही दिखाता है। यहाँ से अगर आप जो सेटअप देखेंगे तो इस मंथ के एंड तक में OI का मूवमेंट 9,500 के आसपास चल रहा है। वहाँ पे क्यों मूवमेंट हो रहा है? क्योंकि कोई ना कोई बड़ा आदमी वहाँ पे गेम बना रहा है। तो डेफिनेटली आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मार्केट इतना आसानी से ऊपर नहीं जाएगा, सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं है। और 10,800 में ऑलमोस्ट सभी पॉजिटिव और अच्छे दिन फैक्टर्ड इन है, लेकिन बुरे दिन जो आ सकते हैं उसके लिए हमने तैयारी नहीं की है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ से एक झटका लगेगा 500-800 पॉइंट का तो रिटेलर्स फंसेंगे। और रिटेलर्स ही हैं जो इसमें पैसा लगातार डाल रहे हैं, और रिटेलर्स एक बार फंस गए तो FII DII ऑलरेडी बेच रहे थे, रिटेलर्स भी बेचेंगे तो मार्केट एक बड़ा डाउनफॉल दिखा सकता है। तो इस वीडियो का मेन सारांश ये है, कहने वाली बात है कि थिंग्स आर नॉट गुड, सिचुएशन इज़ नॉट गुड, प्लीज़ टेक कॉशन एंड इन्वेस्ट कॉशियसली। ट्रेड कर रहे हो आप तो डे टू डे देख के करो, बड़ा फॉल आ सकता है, लेकिन बड़े फॉल को ट्रेड कैसे करोगे ये सोच के करो। और डे टू डे में अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो भी अगर वीकनेस दिखती है और ऑलरेडी गिर चुका है तो आप शॉर्ट मत करो। अगर आपको दिखता है बाउंस आया है शॉर्ट के बाद तो वहाँ पे शॉर्ट करो। अगर डिप आ चुका है तो हो सकता है लॉन्ग करो या फिर स्टे अवे। दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्लान योर नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स। जुलाई का अगला 10-15 दिन बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो केसेस को इग्नोर करता जाए और केसेस 1 लाख केसेस पर डे US में हो जाए, वर्ल्ड वाइड 4 लाख केसेस पर डे हो जाए, तब तक इग्नोर करता रहेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, मोस्ट प्रॉब्ली तैयारी कर ली गई है। मार्केट में जो पोजिशंस हैं वो एक स्टार्ट कर दी गई हैं, ऑलरेडी ली जा चुकी होंगी बड़े लोगों द्वारा। जो छोटे लोग हैं वो बाय कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली जब बड़ी डंपिंग होगी, ETF बास्केट सेलिंग होगी, तो डेफिनेटली हमारा मार्केट इन सब को फंसा के नीचे जाएगा। तो ये मेरा व्यू था मार्केट के बारे में। आई होप आपको पसंद आया है। ये छोटा सा एक व्यू है फेस टू फेस, तो आई होप ये अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बहुत दुआएं मिलेंगी आपको, और लाइक भी ज़रूर करिए अगर वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।